हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल फॉर टर्म टू। टर्म टू के लिए आप लोगों को किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए। देखिए यार, हमारे पास 30-45 डेज हैं। अगर जैसा एक्सपेक्ट किया गया सब कुछ वैसा ही चलता है, ओमिक्रॉन के केसेस कम हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चों को मैसेज आते हैं कि सर हमारे स्कूल्स ओपन हो गए, हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, हमें टाइम किस तरह से मैनेज करना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी होती है आपकी सेल्फ स्टडी। आप कितना भी पढ़ लीजिए उससे मतलब ट्यूशन पे स्कूल में बहुत ज्यादा फर्क तभी पड़ेगा जब आप लोग खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, खुद से अच्छे रिवीजन कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम निकालना सबसे जरूरी है। अब यहाँ पर दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रात को बड़ी लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं। तो उन दोनों तरह के बच्चों के लिए बात करने वाले हैं, एंड ये दी बेस्ट टाइम टेबल है मेरे कहने से। 3 दिन ट्राई करके देखना, एंड श्योरली आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है ये कमिंग 30 डेज के अंदर, एंड कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। तो हम सबसे पहले प्रजाति की बात करते हैं जो मॉर्निंग वाले शेर हैं, है ना, जो सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने से मेरा मतलब 4 बजे वाला, आजकल 4 बजे को जल्दी नहीं, बहुत कम बच्चे उठ पाते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 5-6 बजे अगर जो बच्चे उठते हैं। अच्छा, मैं कभी भी इस तरह के टाइम टेबल को पसंद नहीं करता हूँ, ये जो पूरा टाइम दिया होता है इतने बजे उठना उतने बजे सोना, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए, एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट ये है कि जो मॉर्निंग टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जगह देखा गया, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सुबह ही पढ़िए, पढ़ना है जब मर्जी पढ़िए, बट जनरली सुबह ज्यादा अच्छा रहता है। मैं इसके 2-3 वो आपने सुना भी होगा, हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, ठीक है ना। अब ट्राई करना एक बार, जैसे कि आपका सुबह का स्लॉट 1 है, और स्लॉट 1 में आप चाहो तो अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ले सकते हो, ठीक है। अब साइंस के मोस्टली स्टूडेंट्स की फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आप सुबह 6-8 फिजिक्स पढ़िए, ठीक है। जब सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट करते, सुबह उठने से मेरा मतलब हल्का फुल्का खाया पिया, फ्रेश हुए, जो भी करना है, उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, पूरा दिन आपका पढ़ाई का मूड कर जाए, पूरा दिन, ठीक है। और ये देखिए, 6-8 तो मैक्सिमम टाइम है। अच्छा, देखिए क्या कहते हैं कि कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं, भाई तेरा साबुन स्लो है क्या? देखिए, अगर इतनी देर नहीं पढ़ा जाता, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं, एग्जाम डेज में भी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप 4-6 घंटे भी डेली की सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना भाई साहब, आपको कोई नहीं रोक सकता 98-99 मार्क्स लेके आने से, ठीक है ना। बट वो क्रिस्प स्टडी होनी चाहिए, टू द पॉइंट स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे वीडियो चलती है तो स्लो स्लो स्पीड में, जैसे ये वीडियो भी चल रही है भाई, अब फास्ट आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात भी करने वाला हूं कि आपने पढ़ना क्या है, ये सब बातें भी होंगी, ठीक है। अब इसमें इनफ गैप भी है, आपका स्कूल जिस टाइम का, आपकी कोचिंग जिस टाइम की, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बट ये जो टाइम है आपकी सेल्फ स्टडी का है, ये 6-8 जो है ये मैंने मैक्सिमम टाइम बोला है, ठीक है। आप इसको 6-7:30 भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के लिए जा रहे हो, बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी स्लॉट 2। स्लॉट 2 में आप सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ोगे, दोपहर का टाइम होता है, खाना खा रहे होते हैं, हल्की हल्की नींद सी आ रही होती है, इस टाइम में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ सकते हो। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मुझे लगता है केमिस्ट्री होगा, बट बहुत से बच्चों का नहीं भी होगा, बायो वालों का बायो बहुत फेवरेट होता है, तो आप इस टाइम में 4-6 या 4-5:30 कह लीजिए, इनिशियली आप लोगों को 4-5:30 के लिए जाना चाहिए, ठीक है ना। 4-6 ये 4-5:30 आप अपना सेकंड सब्जेक्ट पकड़ोगे। अब जो स्लॉट 3 है, स्लॉट 3 जो 9-11 वाला है, इस टाइम आप लोग मैथ्स कर सकते हो, इसमें ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स को पढ़ पढ़ के तो नहीं होगा ना, जैसे फिजिक्स है उसके डेरिवेशन होते हैं, आप मॉर्निंग में भी कर चुके, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, आप इस टाइम इसको, ठीक है। अगेन, अब इसमें आपको जो बीच में देखिए 6-8-4 के बीच में इनफ गैप है, 8 घंटे का गैप आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस 8 घंटे के गैप में आपने कुछ नहीं करना, इस 8 घंटे गैप में आपका स्कूल हो सकता है, आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लाइव क्लासेस दी बेस्ट है, बट आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो 2x की स्पीड में, ठीक है। अब ये 6-9 3 hours का गैप है, ठीक है। वैसे तो बाबू सोना के चक्कर में नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आपकी किताबें ही आपका बाबू सोना होना चाहिए, ठीक है, वो धोखा नहीं देंगी, कुछ ना कुछ बना के आप लोगों को छोड़ने वाली है। ये नहीं कि सिर्फ फरवरी मंथ चल रहा है, कुमारी ज्यादा चढ़ी हुई हो, पढ़ाई पे ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है।
तो 9 to 11 एंड देन आप लोग सो सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने बोला कि इस वीक में आपकी सेल्फ स्टडी है। अब सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब मान के चलो एक टॉपिक आपने 10 दिन पहले करा था, 15 दिन पहले करा था और आपको आ रहा है कि यार वो टॉपिक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, एक बार दोबारा से उसको देख लो। ठीक है, जब कोई टीचर एक टॉपिक को समझाता है ना, उसे एक घंटा लग सकता है, वो पूरी क्लास को पढ़ा रहा होता है, धीरे धीरे पढ़ाएगा, वो इधर उधर के एग्जाम्पल देगा सो दैट कि मैक्सिमम बच्चे उससे कनेक्ट कर पाए। बट जब आप खुद से पढ़ रहे होगे ना, एक टॉपिक को पढ़ने में 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब वो जमाने चले गए हैं जब आपको रट्टे मारने हो, अब आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ा करो। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे समझते हैं। अब इस पॉइंट में आप डेली के जो लेक्चर होते हैं, इधर वो आपके स्कूल के लेक्चर हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लास के लेक्चर हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के लेक्चर हो सकते हैं, उनको समझ, उनके जो आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे उनको आप लोग देख सकते हो उस टाइम में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी की रिवीजन कीजिए, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। अरे बोर्ड छोड़ो यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ नहीं आता उससे बाहर। ठीक है, मीन्स अगर आप नीट के लिए जा रहे हो, नीट में कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90% क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, बोर्ड में तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, मतलब मैं यहां पे एक बोलूंगा आप लोगों को, एक डेडिकेटेड बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसकी रिपीट रिवीजन होनी चाहिए आप लोगों की। अब बहुत सारे बच्चे तो ये रहते हैं ना, 10 बुक ले लेंगे, 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे, वो नहीं होगा। एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग याद होगा तुम्हें, है ना। एक ही मूव को 100 बार प्रैक्टिस करने से फायदा होगा, 100 मूव को एक एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं। वो कहते हैं ना, एक जगह पे अगर 100 बार 100 फुट गड्ढा खोदोगे तब पानी निकलेगा, 100 जगह पे एक एक फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलने वाला। एक बुक को बार बार पढ़ना है आप लोगों ने, लगभग सभी बुक्स में सेम होता है। मतलब जो भी मार्केट लीडर्स है ना बुक्स के, बेटा आप कोई भी जो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बाकी केमिस्ट्री की तो दिनेश पब्लिकेशन की तरफ से है, ठीक है ना, उसमें मेरे वन शॉट है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिटेल समरी है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस टाइम में आप लोग चीट नोट्स बनाइए, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ते हो जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक पेज में पूरे चैप्टर को कवर कर जाते हैं, सो दैट कि अभी देखिए आप लोगों के प्री बोर्ड्स आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस मैटर करती है, अगर पेपर नहीं हुए तो प्री बोर्ड को थोड़ा सीरियस होकर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो पेपर होने ही वाले हैं, इन केस की बात मैं कर रहा हूं, तो चीट नोट्स बनाइए जिससे एकदम से आपको पूरी की पूरी समरी कवर हो जाए। चीट नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना कि हाँ सर बता दो। अब बात करते हैं जो रात वाले चीते होते हैं कहीं, देखिए कभी ना पढ़ने से अच्छा मतलब होते ना, सब मुझसे सुबह नहीं उठा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रात को पढ़ो। बहुत से बच्चे रात को पढ़ के भी टॉप करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने 7 दिन घर पे ही पड़े रहते हैं तो दिन में सो जाते हैं, अब दिन में सो जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती, तो वो रात को ही जागेंगे ना भाई। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है बेटा जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ यार तुम लोग 8-9 बजे उठते होंगे सुबह, ठीक है ना, और फिर आपका स्कूल रहता होगा, तो उसके बाद 2 से 4 बजे तक आप एक सब्जेक्ट को पकड़ने वाले हो, 6 से 8 बजे तक आप सेकंड सब्जेक्ट को पकड़ने वाले हो, और 11 से 1 बजे तक आप अपने थर्ड सब्जेक्ट को पकड़ने वाले हो। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, देखिए बेटा आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर 24 घंटे में से आपको 4.5 घंटे या सिर्फ 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं, वो ज्यादा नहीं है। अगर आप बोर्ड्स के रिजल्ट की बात करते हो तो ईयर बाय ईयर 90-95% का क्राइटेरिया, मतलब जिन बच्चों के 90-95 मार्क्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 90% में बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है, बच्चे एक डेडिकेटेड शेड्यूल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, एक राइट स्ट्रेटेजी की वजह से पढ़ते हैं, एंड सबसे जरूरी होती है आपकी कंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कंसिस्टेंसी को, मतलब रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एक दिन जोश में आए और पढ़ाई स्टार्ट की और 2 दिन बाद आप गायब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या रहता, मोटिवेशन नहीं रहता हमारे अंदर, है ना, रेगुलर पढ़ने का। तो देखो यार मैं एक बात बोलूंगा कि आपका ना अधिकार है, या ये कह लीजिए कर्तव्य है, अपनी फैमिली की गरीबी की चेन को तोड़ने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी ही होगी। ठीक है ना, ये नहीं आप सो के नहीं गुजार सकते दिन अपने। मैं नहीं कहता कि सिर्फ ये 12th क्लास में पढ़ने से ही आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर दोगे, इसके बाद मतलब कहते हैं ना असली जंग के मैदान तो इसके बाद स्टार्ट होंगे, मतलब इसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद रियल मेहनत स्टार्ट होने वाली है, बट अभी से तैयार हो जाओ ना इस जालिम दुनिया के लिए, अभी से ढालना स्टार्ट कर दो ना, हाँ यार ये आपका एक टास्क है, टम टू में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं आप लोगों को, अभी से तैयारी कीजिए उसकी।
ठीक है बेटा, अभी 30-45 दिन अच्छे से जुट जाइए। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा काम क्या करना है आप लोगों ने, टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह के लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे सर? इधर आपको डिटेल लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे, मतलब क्या रहता है ना, चैप्टर्स को डिटेल पढ़िए, वन शॉट भी पढ़िए, तो यहाँ पे डिटेल लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, चीट नोट्स मिलेंगे, मतलब नोट्स आप लोगों ने खुद से बनाने हैं वो गोल्ड है, बट मैं आपको खुद से भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस तरह से बनाने हैं। और इन केस ज्यादा जो मेहनती बच्चे नहीं होते वो इन चीट नोट्स से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। डिटेल नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, जैसे आज प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेगुलर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाले हैं, वन शॉट मिलने वाले हैं, डेली टास्क, आज आपका टास्क क्या है, आज आपको पढ़ना कैसे है, इस तरह से। और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, एक सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं की जाएगी, चार्ज किया जाएगा तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड आई होप, मैं मतलब श्योर हूं कि हाँ यार तुम लोग दोगे ये सपोर्ट तो, और डोंट वरी बेटा, मिलके फोड़ने वाले हैं, टर्म टू को घबराने की जरूरत नहीं है। एंड बस अब मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आप लोगों के एक से दो चैप्टर के वन शॉट आते रहें और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए, और साथ मिलकर करें, घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए बेटा जी, ख्याल रखिए, और कमेंट सेक्शन में अपना एम सबने लिखना है, सो दैट कहते हैं ना, जब हम एक चीज को अनाउंस कर देते हैं तो क्या रहता है कि हमारा एक वो माइंड उस तरफ काम करेगा आपका, कि हाँ यार उस तरफ जाना है, ये तो मैंने लिखा भी हुआ है, एम को लिख दिया है मैंने, तो उसको अचीव करना ही है। ऑल द बेस्ट बेटा जी, एंड मिलके फोड़ेंगे, डोंट वरी, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर।